नमस्कार, आइए हम आपको प्रयागराज के कौंधियारा की ओर ले चलते हैं, जहां प्रयागराज कौंधियारा ब्लॉक ग्राम सभा आंबा में बेरोजगार मजदूर अपने घर पर बैठे रहते थे। यह सरकार का योजना उनको तत्काल प्रधान के द्वारा रोजगार दिया जाए, तो प्रधान के द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरों को कार्य दिया गया। हम आप सभी को बता दें कि जो बेरोजगार है ग्राम सभा के अंदर गरीब मजदूर, वह ग्राम प्रधान से मिलकर तत्काल अपना रोजगार मुहैया कराएं। मनरेगा के तहत आपको कार्य मिलेगा। आपको ये भी बताते चले कि सभी मजदूर भाई कार्य कर रहे हैं, और ग्राम प्रधान ने बताया कि जो व्यक्ति प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन के तहत अभी रोजगार मुहैया नहीं करा रहे हैं। जब उनका 21 दिन क्वारंटीन से बाहर आएंगे तो उनको मनरेगा के तहत वह कार्य दिया जाएगा। तो सभी गरीब मजदूरों से अपील है कि आप प्रधान से मिलकर तत्काल में अपने रोजगार प्राप्त करें। और मजदूरों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि हमें रोजगार मनरेगा के तहत मिल गया है। वहीं पर ग्राम प्रधान सेवक आशीष कुशवाहा द्वारा और ग्राम प्रधान के स्थान पर उनके बड़े लड़के दीप चंद कुशवाहा से बात करने पर उन्होंने पूरी जानकारी मुहैया कराई, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए और समझाया जाए कि आप मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करें। जनता की आवाज़ बनकर इस समय हमारे पत्रकार बंधु क्षेत्र में सभी को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और गरीब जनता को सूचनाएँ दे रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कौंधियारा से अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, कौंधियारा ब्लॉक ग्राम सभा आंबा में आए हुए हैं। यहाँ एक मनरेगा का एक वर्क चल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार के तहत सरकार के द्वारा दिया गया है। आपको दिखा रहे चारों तरफ से ये है कि मतलब यहाँ कार्य चल रहा है। सरकार के ये आदेश है कि ग्राम सभा में कोई भी मजदूर खाली न बैठे, कहीं भी रहें, अपने घर में रहें, वो मनरेगा के तहत अपना वर्क करें। तो हम यहाँ पर ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स जो मतलब गार्जियन टाइप से, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम सेवक हो गए, उनसे हम बैठ लेना चाहेंगे, उनसे पूछना भी चाहेंगे। जितने भी हमारे यहाँ भाई मजदूर आए हुए हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या उनको पूरी तरह से यहाँ मजदूर मिल रहे हैं, मजदूरी रोज़गार मिल रहा है, उनको कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। आज उनसे हम पूरी तरह से हर एक सवाल, हर एक मुद्दे पर बात चर्चाएँ करेंगे। आइए उनसे हम बात भी करेंगे। आपको आप बता देते हैं, हम यहाँ ग्राम प्रधान के बड़े लड़के हैं दीप चंद कुशवाहा, इनसे हम कुछ बात और चर्चाएँ करेंगे। कि आप दीप चंद ये बताइए कि मतलब जो जितने भी यहाँ मजदूर रोज़गार लगे हुए हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है, आप क्या व्यवस्था किए हैं? व्यवस्था है, काम कर रहे हैं इनके लिए मास्क लगवा बांटी दी गई है, पानी का व्यवस्था है, और काम कर रहे हैं। और क्या हम तो देख रहे हैं कि जितने भी मजदूर हैं किसी के पास मास्क नहीं लगा है। मास्क आप पूछ लीजिए, देखो वितरण किया गया है और सिलाई में डाले हुए हैं, 100 लोगों का घट गया है मास्क, 150 वितरण किया गया है। अब मजदूर लोग पूछ लीजिए आप खुद स्वयं, कहाँ वितरण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये बताइए कि मतलब वितरण तो किया गया है, जितने भी मजदूर हैं यहाँ, हाँ, ये मजदूरी कितना इनको मिल रही है? 202 रुपये सर, 201 रुपये। हाँ। मतलब गवर्नमेंट तरफ कितना किया गया है? 201 रुपये किया गया। हाँ। मतलब इनको मजदूरी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं लाभार्थी से। और एक जानकारी लेना चाहते हैं, अभी सरकार के तरह जो योजना आई है कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली कलकत्ता कहीं भी, कोई भी हर गार्जियन का किसी का लड़का कहीं बाहर से आ रहा है, वो बेरोजगार है, उसको ये कहा गया है कि आप यहाँ मतलब प्रधान के तहत जो रोजगार अवेलेबल किया जाए उसको आप देने के लिए बात भी है, क्या यह जानकारी आपको है? 21 दिन के बाद उनको काम दिया जाएगा, अगर टाइम में है 21 दिन बाद पूरा हो जाएगा तो वो काम दिया जाएगा। क्या आपको सरकार ने कहा है कि 21 दिन बाद जो होम टाउन होने के बाद रोजगार दें? नहीं, ये तो सरकार नहीं किया है, आदेश है, वहाँ पर आ सकते हैं, और तो ब्लॉक हम लोगों को आदेश भी हुआ है, 21 दिन होम टाइम जीत करके उनको रोजगार दिया जाए। मतलब जो अभी इसके पहले 21 दिन हो चुका है 14-15 दिन से, उनको रोजगार मिला है अभी तक? नहीं, अभी ऐसा तो कोई है नहीं हमारे गांव में। अच्छा, हाँ, मैं नॉलेज में तो भाई किसी का पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर कितने मजदूर आए हुए काम पर लगे हुए हैं? अभी तो इनका हाजिरी हो जाएगा पूरा हो जाएगा, कल तो 200 थे, आज वही अटेंडेंस इनका नहीं हुआ। नहीं हुआ, मतलब जितने दिन से कार्य लगा हुआ है अभी तक?
8 तारीख से शुरू हुआ था, 14 तारीख तक चला, फिर बीच में बंद किया गया। हाँ, कल तो 180 आदमी थे, अब आज अभी टोटल हो तो पता चलेगा क्या। मतलब जो पर डे है दिन प्रतिदिन का अवेलेबल संख्या बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है, रोज दो चार उसी दिन घट भी जाते हैं। ये बताइए, आप ग्राम प्रधान के बड़े लड़के हैं? हाँ, उनके बड़े लड़के, बड़े लड़के हैं। ये प्रधान जी इसमें कहाँ व्यस्तता है कि कहाँ उनकी है, मतलब यहाँ मजदूरों के सामने नहीं आए अभी तक? अब प्रधान जी तो देखो, मेरी मम्मी है, मम्मी नहीं आती, हम आते हैं, हमारे पिताजी आते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे, ग्राम सेवक आशीष कुशवाहा जी से। ये मतलब ग्राम सभा के ग्राम सेवक जो मतलब कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, वो मेंबर्स हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि मतलब हर ग्राम सभा की जो विकास होती है, उस विकास में हर चढ़ के भागीदारी उनका निभाया जाता है। आइए इनसे हम पूछते हैं कि आप जो ग्राम सभा में, पहली बात हम यहाँ रोजगार की बात करेंगे कि जो मतलब जो मजदूर आए हैं उनके बारे में आप एक पूर्णतः सच्चाई और ईमानदारी के साथ जानकारी दें। लोग काम नाप चुप दिया जाता है, मास्क का वितरण भी कराया गया है और प्लाग से संदेश दिया गया कि हमारे यहाँ मास्क मजदूरों को घट गया है, उन्होंने कहा उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज 7वां दिन है काम चल रहा है, 8वां दिन है आज काम चल रहा है तालाब में, बाकी जिनका जॉब कार्ड नहीं उनको जॉब कार्ड मुहैया करा जा रहा है। जो नए मजदूर जैसे कहीं बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्था की है? 21 दिन बाद उनको अप्लाई करेंगे, हमारा हम काम करना चाह रहे हैं तो हमारा जब फोटो दे देंगे जॉब कार्ड उनको बन जाएगा। तो यहाँ की आप ग्राम सेवक हैं, मतलब हर प्रधान जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आते हैं, हर ग्राम प्रधान के साथ आप रहते हैं, आप पूरी तरह से जानते हैं कैसे क्या विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड कराएंगे? विकास का हम नरेगा विभाग देखते हैं, बाकी और प्रधान जो करते हैं काम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये आशीष कुशवाहा जी हैं, ग्राम सेवक के रूप में परिवर्तित हुए हैं। आपको हम बता दें जितने भी हमें ग्राम सभा आंबा में जो मजदूर आए हुए हैं, रोजगार दिए हैं, ये लोग वर्क कर भी रहे हैं, और हम आपको जानकारी दें कि जो अभी बाहर से आ रहे हैं मजदूर उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा, बेरोजगार जो बेरोजगार उसको रोजगार दिया जाएगा। मजदूर हैं, हम मजदूर भाई हमारे पास खड़े हैं, यहाँ रोजगार के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनसे हम कुछ चर्चाएं करते हैं कि आप ये बताइए कि यहाँ जो मतलब रोजगार इन्होंने दिया है प्रधान के रूप में, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं के बारे में जानकारी बताइए। अब जानकारी व्यवस्था के बारे में ये है कि नरेगा लगा है, नाप जोक का काम दिया जा रहा है और पानी का सुविधा है, पानी पिलाने के लिए दो लोग रखे गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, सब लोग पानी पिला रहे हैं, हम लोग पानी पिलाने में लगे हैं तो सब लोग पानी पिला रहे हैं, और मास्क 100-150 आदमी को अब बांटा गया है, अभी और लोगों को नहीं बांटा गया है। हाँ, तो इसी के काम चल रहा है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है, और जो दिक्कत है मजदूर लोग हम सब हैं सब बताएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी आप बताइए, आपके बारे में आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम क्या है? हमारा भानुशंकर नाम है। भानुशंकर जी, आप ये बताइए कि आप नरेगा में वर्क कर रहे हैं, आप पास रोजगार मतलब मिला है सरकार के द्वारा, उसके बारे में बताइए, आपके घर में क्या इस रोजगार से आपके यहाँ चल सकता है? भाई अभी नरेगा चल रहा है, यही कमा रहे हैं। कितने दिन का ये वर्क रहेगा भाई? जब तक चलेगा नरेगा तब तक वर्क मिलेगा। क्या जितना अमाउंट बता रहे हैं पर डे का, वो अमाउंट आपको मिल रहा है? हाँ, वो मिल रहा है, पर डे मिल जाता है। काम लगेगा तो अंदर तभी मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि पर डे नहीं, मतलब जो वर्क जब काम लगता है सप्ताह के बाद मतलब आपके अकाउंट में आ जाता है, यही एक रूल होता है सरकार का, मतलब आप वर्क करिए आपके अमाउंट अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। तो इस समय देख करते हैं सभी मतलब इस मनरेगा को वर्ष से खुश है, मजदूरी भी पा रहे हैं, और 201 रुपए हम कह सकते हैं सरकार से कि 201 रुपए क्या है आज के युग में, आज में 201 रुपए एक दो व्यक्ति खर्चा नहीं। हम सरकार से गुजारिश करेंगे तत्काल इसको प्रभाव से, आप इन जो मजदूर हैं इनका मजदूरी बढ़ाया जाए और इनके ऊपर और कुछ सारी व्यवस्थाएं की जाए, जैसे राशन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था सबकी व्यवस्था की जाए। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, जय हिंद।